Hi everyone, good morning to all of you. I hope you all are doing well. As you know, that I have already started with the topic that is A Girls Incredible Journey from Syria by Nozain Mustafa. In my previous lecture, I have talked about the author Nozain Mustafa and the main characters of the story. And also I have justified the title. So that was all about yesterday's lecture and today we will be proceeding the further story so let's get started so here will be the reading further story sometimes people throw things off but we did not have much कई बार लोग चीज़ें फेंक देते हैं बट हमारे पास उतना अभी नहीं है वी शुड नेवर हैव ब्रॉड द व्हील चेयर सेड महमूद महमूद कहता है कि हमें ये व्हील चेयर साथ में नहीं लेके आनी चाहिए थी आई फिल्ट आई शुड बी वरिड मुझे ऐसे लगता है कि मुझे वरिड होना चाहिए आई न्यू दिस वाटर माइड बी आर ग्रेव बिकॉज मुझे ऐसा लगता है मुझे पता है कि ये वाटर जो है वो हमारे लिए ग्रेव भी बन सकती है ग्रेव मीन्स अ प्लेस वेयर अ डेड पर्सन इज़ ब्यूरड ओके okay, जहाँ पे डेड पर्सन को दफनाया जाता है एंड ऑफ कोर्स आई कांट स्विम और मुझे ये भी पता है कि मैं स्विमिंग नहीं कर सकता हूँ आई हैड नेवर बीन इन वाटर मैं कभी भी वाटर में नहीं गया हूँ ऑफ़ अस कुड स्विम हम में से कोई भी स्विमिंग नहीं कर सकता है येट सेटिंग इन माई व्हील चेयर हायर देन एवरी वन एल्स मैं अपनी व्हील चेयर के ऊपर सबसे हाइट के ऊपर बैठी हुई थी जबकि सब नीचे थे मतलब कि सब बॉट के अंदर बैठे थे और मैं अपनी व्हील चेयर में सबसे ऊपर थी आई थॉट ऑफ माई सेल्फ लाइक पोसाइडन मैंने खुद को फील किया जस्ट लाइक एज द पोसाइडन पोसाइडन मीन्स द गॉड ऑफ द सी इन हैज चैरियट चैरियट मीन्स रथ मतलब कि मुझे ऐसे लग रहा था जो पोसाइडन है गॉड ऑफ सी है वो अपने चैरियट में अपने रथ में बैठा हुआ है और मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी आई ट्राई टू इमेजिन द हिपो कैंपस मैंने इमेजिन किया द हाफ ओर्स हाफ फिश दैट टॉव्ड इट अलॉन्ग टॉड मीन्स पुल करना ओके okay? जैसे मतलब कि मैं उस उसके ऊपर बैठी हुई हूँ अपने चैरियट के ऊपर बैठी हुई हूँ और हाफ हॉर्स और हाफ फिश जो है वो उसको पुल कर रहे हैं एंड फैंसड दैट और मैंने इमेजिन किया थ्रू द स्प्रे ऑफ मिस्ट आई कुड सी द नेरीड्स द डॉटर्स ऑफ पसाइडन नेरीड्स मीन्स जलपरी तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे वहाँ पे पानी जो मिस्ट है फॉग की जो स्प्रे हो रही है और वहाँ पे राइडिंग द हॉर्सेस फिश और मैं वहाँ पे जलपरी को भी देख सकता हूँ पसाइडन की जो डॉटर्स होती हैं राइडिंग द हॉर्स फिश हॉर्स फिश हॉर्स फिश राइड कर रहे हैं टॉसिंग देयर लॉन्ग हेयर उनके बड़े बड़े लंबे लंबे बाल लहरा रहे हैं लाफिंग इन और वो हवा में हंस रहे हैं आई स्माइल्ड एट द थाट मैंने ऐसा मतलब कि अपना इमेजिनेशन जो मेरा था उसको सोच करके मैं हंसने लगी लुक नहदा हाउ ब्यूटिफुल इट इज तो मैंने नहदा को कहा देखो कितना मतलब ये ब्यूटीफुल स्नैरियो है आई क्राइड एज वी वर टॉस्ड अप एंड डाउन मैं जोर से चलाई जब हमारी बोट जो है वो अप एंड डाउन टॉस्डअप हो रही थी आई लव्ड एवरी टाइम वी वर हिट बाय अनादर वेव इवन दाओ वी वर ड्रेंस्ड थ्रो मैं मैं हर उस टाइम पे हंस रही थी जब भी हमारी जब भी कोई वेव आ करके हमें टच करके जाती थी सी के अंदर जब भी कोई किसी वेव ने आना जब भी कोई वेव आती थी तो मैं उसको जब वो हमें टच करती थी और हमारी जो बोट है वो टॉस्ड अप होती थी अप एंड डाउन तो मैं हमेशा हंसने लगती थी वर ड्रेंच ड्रेंच मीन्स वेट हो जाना गीला हो जाना वर ड्रेंच थ्रो और हम पूरी की पूरी तरह भीग जाते थे यू नीड अ साइकेट्रिस्ट लाफिंग हेयर सेट संबंध किसी ने कहा कि तुम ऐसे सिचुएशन में हंस रही हो तुम्हें एक साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए साइकेट्रिस्ट एज अ डॉक्टर हु स्टडीज एंड ट्रीट्स द मेंटल इलनेस एक्चुअली आई वॉज प्रेइंग टू बट क्वाइटली कहते कि मैं भी प्रेयर कर रही थी भगवान से बट क्वाइटली चुपचाप से कर रही थी मैं बोल नहीं रही थी वीवर सो इंटेंट ऑन आर ऑन बोट हम अपनी बोट पर पूरा फोकस कर रहे थे दैट वी डिड नॉट सी वॉट हैपन और हम ये देख ही नहीं पाए कि हुआ क्या टू द अदर थ्री लिविंग विद दस जो तीन हमारे साथ थे उनके साथ क्या हुआ बट मुस्तफ़ा स्क्रैम्बलिंग अप द्लेव जो मुस्तफ़ा था वो क्लिफ़ के ऊपर चढ़ रहा था टू फॉलो आर जर्नी विद द बाइना कूलर्स क्लिफ़ के ऊपर चढ़ करके वो बायना कूलर से हमारी फर्दर आगे की जर्नी देख रहा था कि उसे कुछ आगे दिखाई दे रहा है या नहीं भी एंड रिपोर्ट बैक टू आर पेरेंट्स और हमारे पेरेंट्स को बता भी रहा था एज ई वॉच द फर्स्ट बोट लेफ्ट विद द waves, जैसे उसने देखा कि जो पहली बोट है वो वेव्स के साथ में निकल चुकी है एंड वो स्विकली ओवर टर्न और वो बहुत जल्दी से ओवर टर्न भी कर चुकी है वी वर द सेकेंड बोट टू और हम हमारी बोट सेकेंड थी जिसे अब आगे जाना था द थर्ड गॉट टू मच ऑफ द वे एंड ओवर टर्न क्लोज टू द आईलैंड और जो तीसरे वाली बोट थी दैट गोट द मच ऑफ द वे वो काफी हद तक आगे पहुंच चुकी थी और ओवर टर्न को क्लोज टू द आईलैंड और आईलैंड के पास में ओवर टर्न कर चुकी थी लिविंग द पीपल टू स्विम द फोर्थ वॉज पिक्डअ अप बाय द टर्किश कोस्ट गार्ड और जो फोर्थ वाली बोट थी उसे टर्किश कोस्ट गार्ड कोस्ट गार्ड मीन्स अ पर्सन हुजॉब इज टू हेल्प पीपल एंड शिप्स इन द ट्रेवल एट द कोस्ट एंड स्टॉप पीपल फ्राम ब्रेकिंग द रूल्स तो टर्किश कोस्ट गार्ड जो था उसने फोर्थ वाली बोट को पिकडअप कर लिया था मुस्तफ़ा वॉज इन टीयर्स ऑन द फोन टू माई फादर बिकॉज ही डिड नोट नो इफ इट वॉज अस तो मुस्तफ़ा जो था उसकी आंखों में आंसू थे वो फोन पर बात कर रहा था मेरे फादर से क्योंकि ही डिडेंट नो उसे नहीं पता था इफ इट वॉज अस कि ये हम हैं इन फैक्ट व्यू आर बेटर ऑफ एज देर वर फ्यूअर ऑफ अस कंपेयर्ड विद द अदर बोट्स व्यूवर बेटर हालांकि हम दूसरों से अच्छे थे क्योंकि हमारी बोट में कम लोग थे एंड अंकल अहमद यूट्यूब लेसन हैड प्रूव्ड यूजफुल और अंकल अहमद ने यूट्यूब लेसन से जो भी सीखा वो हमारे लिए बहुत ही यूजफुल प्रूफ हुआ बिकॉज उनको बोट चलानी नहीं आती थी उन्होंने जो भी सीखा वो यूट्यूब uh, से ही सीखा था ही वेंट अगेंस्ट द वेवस वो वेव्स के अगेंस्ट गए इन्स्टेड ऑफ विद ना कि उनके साथ जाने की बजाय एंड गोटाज टू सेट मोर ऑन द साइड वेयर द वेवस वर हिटिंग द बोट टू कीप इट डाउन एंड गोटा सेट और हमें उस साइड पर बिठा दिया ऑन द साइड वेयर जहाँ पे द वे वर हिटिंग जहाँ पे वो वेव्स हिट कर रही थी द बोट को टू कीप इट डाउन इसे नीचे की तरफ रखने के लिए आफ्टर अल कुछ ही देर बाद में एक मिस्ट आती है क्लाउड ऑफ टाइम ड्रॉप ऑफ वाटर जस्ट अब द ग्राउंड तो एक मिस्ट आती है केम डाउन एंड वी कूड नो लॉन्गर सी द लेसबोज तो हमें लेसबोज नहीं दिखाते लेसबो इज ग्रीन आईलैंड हमें फर्दर का फर्दर आईलैंड नहीं दिखता है उस मिस्ट की वजह से फॉक की वजह से आई होप वी वर गोइंग टू द राइट वे तो मैंने कहा मैं उम्मीद करती हूँ कि हम एकदम सही रास्ते पर जा रहे हैं महमूद केपट लुकिंग एट माई व्हील चेयर महमूद मेरी चेयर की तरफ व्हील चेयर की तरफ ही देखता रहा आई न्यू वी हैड एग्रीड दैट इफ़ इट बिकेम अ डेंजर मुझे पता है वी हैड एग्रीड और हम एग्री करते हैं इस बात पर दैट इफ़ इट बिकेम अ डेंजर अगर ये चीज़ थोड़ी डेंजरस होती है अगर कुछ uh, अनएक्सपेक्टेड होता है वी वुड थ्रो इट इंटू द सी तो हम इसे सी में फेंक देंगे बट श्योरली ही वुड नॉट रियली डू दैट बट मुझे पता था वो ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं